वेलकम टू माय किचन फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट गाजर का हलवा। इसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर को लेके साफ करके उसको कद्दूकस कर लिया है। ये 150 ग्राम के करीब मोटी चीनी है। ये 10-15 बादाम है जिनको मैंने इस तरह लंबी शेप में काट लिया है। ये 10-12 काजू है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये घी है, गाजर का हलवा घी में ही बनता है। और ये 300 ग्राम के करीब दूध है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं गाजर का हलवा। देखिए ये हमने पैन लिया है गैस पे और इसको गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे। और हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर चलाते रहेंगे। हम इसको बीच बीच में चलाएंगे, कंटिन्यू नहीं रखेंगे। बीच में बाकी के अपने किचन के काम करते रहेंगे। देखिए हमारी गाजर कम होने लगी है। इसी तरह हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे गाजर का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। देखिए हमें 5 मिनट हो गए हैं और हमारी गाजर है ये, इसका पानी सूखने लगा है। अब हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी घी डाल के आप सीधा गाजर को भूनना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि ये पानी है गाजर का ये धीरे धीरे सूखता है। और अगर हम पहले गाजर को अकेले का पानी सुखा लेते हैं तो पानी जल्दी सूखता है, इसलिए हमने घी इसमें थोड़ा बाद में डाला है। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। घी डालते ही गाजर का कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए एकदम लाल दिखने लग गई है। और इस तरह से हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहिए जिसे चिपके नहीं। गाजर का हलवा है वो कई तरीके से बनाया जाता है। खोए से भी बनाया जाता है और कंडेंसर मिल्क के द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी तरीका है। और नॉर्मली ये सारे इंग्रेडिएंट्स है ये सबके घर में होते हैं। और खोया अगर आप घर पे बनाते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन मार्केट से खोया लाओ तो उसमें भी ये नहीं होता है कि वो कैसा बना है। तो चलिए इसी तरह हम चलाते रहते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारी गाजर है ये भी पक गई है। तो अभी हम इसमें दूध डाल देते हैं। अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक हमारा दूध सूख नहीं जाए। और इसे सूखने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो चलिए चलाते हैं। देखिए हमारा दूध है वो सूख गया है और हमारी गाजर की क्वांटिटी जो जितनी थी उसकी ये आधी से भी कम रह गई है। देखिए इसी तरह हम इसको चलाते रहेंगे। और अभी हम इसमें चीनी डाल देंगे। 10 मिनट हो गई है हमारी, तो चीनी डाल दी हमने। अभी इसको मिला देते हैं। साथ में हम आधे ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, थोड़े हम गार्निश के लिए रख लेंगे। और अभी हम इसको चलाएंगे। चीनी डालते ही देखिए कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और चलाएंगे जिससे हमारी ये चीनी है इसकी चाशनी बन जाएगी। इसी तरह चलाते रहिए 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी 5 मिनट हो गई हैं और हमारा हलवा है ये बहुत ही अच्छा बना है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है।
और गाजर का हलवा बनाते समय हमें गैस को सिम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गाजर का पानी सुखाना होता है, फिर दूध है उसको भी सुखाना होता है। तो फुल गैस को करिए और उससे आप जल्दी हो जाएगा हलवा। तो देखिए हमारा हलवा बन के तैयार है। अभी हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी हम इसको सर्व कर देते हैं। हमारा ये हलवा ये 4-5 लोगों के लिए काफ़ी है। तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत अच्छा है, और बनाना भी आसान है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।